वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। मैंने ये वेबसाइट के पर आ गया हूं ऑफिशियल पेज पर। देखिए, यहां पर वर्ष 2019 को जीरो ईयर घोषित किए जाने संबंधी लेख दिनांक 15/11/2019 दैनिक भास्कर प्रकाशित का खंडन कुछ न्यूज़पेपर में आया हुआ था ना कि जीरो ईयर घोषित किया गया, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और एडवर्टाइजमेंट कहां देख सकते हैं, लिंक दिख रहा है आपको, एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2019। जैसे इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने के कहेगा, यही ऑफिशियल पीडीएफ है। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूं, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। कुल मिलाकर 199 पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है, तो इसका हम लोग पूरा चीज़ यहाँ पर देखेंगे, कितने पदों पर भर्ती हो रही है, क्या प्रोसेस है, कब कब होना है। देखिए, तो देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि एग्जाम कब होना है इसका। ओके, और देखिए कोई फेक नहीं है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि कई लोग हो सकते फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हैं 23/11/2019 प्रकाशन की तिथि 27/11/2019। ठीक है, राज्य सेवा परीक्षा 2019 करके लिखा हुआ, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 9 फरवरी 2019। ठीक है, कब है इसका एग्जाम डेट फ्रेंड्स, 9 फरवरी 2019 को है। तो इस डेट को आप ध्यान में रख लीजिएगा, सॉरी 9 फरवरी 2020 को इसका एग्जामिनेशन है। ठीक है, और यहाँ टाइमिंग भी दिया गया है। ओके, 10 बजे से 12 बजे तक तथा 3 बजे से 5 बजे तक फर्स्ट और सेकंड पेपर का एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। ठीक है, 17, 18, 19, 20 को इसका मुख्य परीक्षा होना है। कब होगा, 2020 में होगा। ओके, 17, 18, 19, 20। ओके, ठीक, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि मैं बता देना चाहता हूं आपको, ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, 6/12 मतलब 6 दिसंबर 2019 से लेकर, है ना, मध्यान्ह 12 बजे से लेकर 4/1/2020 तक, मतलब 4 जनवरी 2020 तक इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, रात्रि 11:59 तक। ठीक है, बाकी आपको सामान्य चीज़ें जो आपको जानते ही हैं, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है सब एकदम आसान है, गूगल में सर्च करें तुरंत आ जाएगा, www.cgpsc.gov.in पर आएंगे तो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, कुल पदों की संख्या देख लेते हैं, जो मेन चीज है यही हमको यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें डिटेल्स चलेंगे। कुल पदों की संख्या सबसे पहले बता देना चाहता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या 199 है, मतलब 1 कम 200। ठीक है, इसमें जिला कलेक्टर का कितना है, राज्य पुलिस सेवक कितना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये देखिए कुल मिलाकर सब कैटेगरी को मिलाकर कुल 15 पद हैं किसके लिए, राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष जिसको हम डीसी बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर के लिए 15 पद हैं, अनारक्षित में 7, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 4, इसी तरह से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, राज्य पुलिस सेवा के लिए कुल मिलाकर 25 पद हैं। ओके, और बैकलॉग जो था वो 5, इसी तरह से, और यहाँ राज्य, थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर सारा चीज़ दिख रहा है। तो इस तरह से आप पदों की संख्या देख सकते हैं, कोई खास पद नहीं है, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 1 ऐसे करके है। यहाँ पर 10 पद दिया गया है इसके लिए, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी का यहाँ पर। ठीक है, किसके लिए 10 पद है फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद है। इसी तरह इधर से कुल देख सकते हैं पद, अनारक्षित में कुल मिलाकर सभी पदों को मिलाकर 75 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, एससी के लिए 27 पोस्ट, एसटी के लिए 70 और ओबीसी के लिए 27 पोस्ट। ओके, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित दिया गया है, तो उसका भी यहाँ पर देख सकते हैं, और कितना दिया गया है, क्या दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ओके, निःशक्त जनों के लिए कुछ कुछ है, तो वो भी सारा चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर 199 पदों पर भर्ती होना है, और कुछ खास नहीं है, वही रूल्स रेगुलेशन लगभग है। ओके, और परीक्षा के अंदर भी सब वही है, कोई चेंज नहीं है, बाकी जो 2000 पहले इसका एग्जामिनेशन हुआ था उसी के अकॉर्डिंग अभी करना है इसको। ओके, ठीक है, अगर इस नियमावली को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और बड़ी खुशी की बात है, है ना। आप मैं भी सोच रहा था कहीं ऐसा नहीं हो कि जीरो ईयर घोषित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एडवर्टाइजमेंट सही समय पर आ गया है। तो आप अपना तैयारी एकदम जोर शोर से कर दीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी जारी रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
जय जोहार।